लाइए स्क्रीन पे रुचित को. रुचित हाय, गुड मॉर्निंग. रुचित, आज के प्रिफर्ड पिक्स कौन से? जी वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी. आशीष जी, दो पिक्स है, दोनों ही हैवी वेट्स है. सबसे पहला रहेगा HDFC बैंक में. सो आइडियली पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि करेक्टिव फेज स्टॉक में आया है और ये करेक्टिव फेज के में 1600 के आसपास स्टॉक अपना एक सपोर्ट बेस बनाने की कोशिश कर रहा है. सो आइडियली ऐसे हैवी वेट्स में राधा दैनिक ब्रेकआउट के बाद चेस करने से अच्छा है कि अगर करंट लेवल्स पे सपोर्ट के आसपास हम बाय करें तो वहां पे हमको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल मिलता है. तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ कि इनकेस ये सपोर्ट बेस बन जाता है तो यहाँ से काफी अच्छा मूव ये स्टॉक में नियर टर्म में देखने मिल सकता है. तो स्टॉप लॉसेस काफी छोटे हैं, तो करंट लेवल्स पे HDFC बैंक में खरीदारी की सलाह है. 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1655 का पहले टारगेट्स, और वो क्रॉस होता है तो 1680, ये दो टारगेट्स आने वाले शॉर्ट टर्म में आप HDFC बैंक में अप मूव में एक्सपेक्ट कर सकते हो. और मेरा सेकंड पिक रहेगा NTPC, जहां पे कल की ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा ब्रेकआउट देखना मिला. इनफैक्ट एक काफी महीनों का मैं कहूंगा कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी ये स्टॉक में बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है. सो ऐसे वॉल्यूम्स के साथ जब इतने लंबे समय का ब्रेकआउट आता है तो वो ट्रेंडेड फेजेस की शुरुआत होती है. सो आई थिंक ये जस्ट एक नए ट्रेंड के फेज की शुरुआत हुई है अभी. तो करंट लेवल्स पे 177 का स्टॉप लॉस और 190 के इनिशियल टारगेट्स, ये लेवल्स ध्यान में रखें. NTPC में भी खरीदारी करें. दिग्गज HDFC बैंक, अभी ओपनिंग कमेंट्री में वीरू मेंशन कर रहे थे रिलायंस HDFC बैंक में बहुत तगड़ा दारोमदार. रुचित कह रहे हैं मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूं, एक अच्छा मूव बनने की तैयारी हो रही है और इवेंचुअली शायद वो अच्छा मूव इस हेवी वेट को 1680 तक ले जाए. अंडर परफॉर्म कर रहा था HDFC बैंक, वाकई इस तरह से मूव आया तो मजा आ जाएगा. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.